नमस्कार, मैं हूं नीलो। हिजबुल्ला लगातार ईरान पर हमले के बाद इसराइल के वो लगातार वार कर रहा है। इसराइल पर किस तरह से लगातार उसकी तरफ से वार किए जा रहे हैं, कितने सैनिक इजरायली मारे गए हैं अब तक हिजबुल्ला के हमले में, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरह के हिजबुल्ला हमले कर रहा है, हिजबुल्ला की कमर तोड़ने की कोशिश इसराइल ने की है, लेकिन हिजबुल्ला वो भी लगातार हमले कर रहा है। अब ये हमले कितना नुकसान इसराइल को करके गए हैं, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ हैं। मयंक, जरा ये बताइए, क्योंकि हमने देखा कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया, लेकिन उसका कोई जवाब ईरान की तरफ से नहीं दिया गया। बड़ी सदी प्रतिक्रिया आई, बहुत सारी बातें दोनों तरफ से, इसराइल की तरफ से और ईरान की तरफ से की गई। लेकिन इस बीच हमने देखा है कि हिजबुल्ला लगातार हमले इसराइल पर कर रहा है और बहुत ज़्यादा नुकसान उसने इसराइली सेना को पहुँचाया है। देखिए, पिछले 48 से 72 घंटे में दक्षिणी लेबनान में जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है इसराइल का, इसमें इसराइल को बड़ा झटका लगा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है और जो उत्तरी इसराइल के हॉस्पिटल्स हैं वो इजरायली सैनिकों से भरे पड़े हैं। कितने सैनिक घायल हैं, कितनों की मौत हो गई है, इस बारे में देखिए इसराइल की तरफ से कोई पुख्ता आंकड़ा कभी सामने नहीं आता है। तो इसराइल कभी नहीं मानेगा इस बात को, लेकिन जो सोशल मीडिया पे चर्चाएं हैं उसके मुताबिक सैकड़ों इजरायली सैनिकों की पिछले 48 से 72 घंटे में मौत हुई है और वहां के जो अस्पताल हैं उत्तरी इसराइल के वो इजरायली सैनिकों से भरे पड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन में झटका है इसराइल को, पहली बात। दूसरी बात, इसराइल के जो मरकावा टैंक्स हैं, हमने पहले भी बताया था, इन पे लगातार हिजबुल्ला अटैक कर रहा है और कई सारे मरकावा टैंक्स पिछले एक जब से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ है उसके बाद से वो तबाह कर दिए गए। देखिए, पहले भी कहा गया था हिजबुल्ला की तरफ से कि अगर टैंक्स के साथ आप अंदर आते हैं हम आपको पीछे धकेल देंगे, और बहुत सारी हानि हुई है, बड़ी संख्या में इसराइल के टैंक तबाह हैं। तो देखिए, जो ग्राउंड ऑपरेशन है, हम जो नीलू बार बार चर्चा कर रहे थे कि ये इसराइल के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। ईरान पर जो इसराइल ने हमला किया उसके बाद से देखिए ईरान तो हमले की तैयारी में जुटा ही हुआ है, लेकिन इस दौरान पिछले 72 घंटे में हिजबुल्ला की तरफ से जबरदस्त जो है वो हमले शुरू हो गए। और ना सिर्फ दक्षिणी लेबनान में जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, ना सिर्फ वहां पे, बल्कि बीती रात भी जो है 70 रॉकेट्स फायर किए गए हैं उत्तरी इसराइल पे। अच्छा। जो कि इसराइल का कहना है कि हमने आयरन डोम सिस्टम ने उसको हवा में तबाह कर दिया, लेकिन हिजबुल्ला का कहना है कि गिरे भी हैं कई ठिकाने पे। तो देखिए, कुल मिला के अब भी हिजबुल्ला जो है वो एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। देखिए, इसराइल का जो एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, चाहे वो F-35 से हो, चाहे मिसाइल स्ट्राइक्स हो, उसमें बड़ी बिल्डिंगें, इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि जो हिजबुल्ला की फोर्स है, जो उसके 70,000 करीब लड़ाके हैं, वो अब भी मौजूद हैं। आप टॉप लीडर्स को आप मार सकते हैं, उनके साथ जो कुछ लोग थे आपने उनको निशाना बनाया, लेकिन हिजबुल्ला की बड़ी संख्या में लड़ाके अभी भी हैं। और सिर्फ लड़ाके की बात नहीं है, उनका जो सैन्य भंडार है वो भी अभी कह रहे हैं कि बहुत हद तक, क्योंकि उनकी अच्छी खासी फौज है मयंक हिजबुल्ला की, और कह सकते हैं कि एक जो बड़े देश की फौज होती है उस उतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ उसके टक्कर में जरूर है। बिल्कुल, तो आप एक दो लोगों को मार सकते हैं, पूरी की पूरी फौज खत्म नहीं कर सकते। चुनौती यही फौज बनी हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। देखिए, हो क्या रहा है, ये असल में जो इजरायली सोल्जर्स की कैजुअलिटी हो रही है, इनकी ये घायल हो रहे हैं लगातार, इन पे हमले हो रहे हैं, ये हो कैसे रहा है इसको समझने की जरूरत है। देखिए, दक्षिणी लेबनान में इसराइल कोशिश कर रहा है एक बफर जोन बनाने की। अब जो इसराइल की सैनिक और फोर्स जो ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं, देखिए इस पूरे इलाके में बड़ी सारी टनल्स बनी हुई हैं, जो कि एक बड़ी चुनौती है। इन टनल्स को काम किया है बहुत हद तक, बहुत दिनों तक काम किया है, लंबे समय से इस पे काम चल रहा था। और देखिए, ये टनल्स को खोजना, इसके अंदर जो है हथियार है उनको नष्ट करना या उस पे एक्शन लेना, इसके लिए हो ये रहा है कि जब भी इजरायली सैनिक इसके करीब पहुंचते हैं तो आसपास का, देखिए ये पूरा इलाका जो हिजबुल्ला के लड़ाके हैं, कमांडर्स हैं, इनके लिए जाना पहचाना इलाका है, इन्हीं का एरिया है ये, तो वो एम्बुश हो जाता है वहां पे। इजरायली सेना जैसे ही आगे बढ़ती है, सैनिक इन टनल्स के आसपास जो है वो माइंस बिछा रखी हैं हिजबुल्ला ने, और ये जो डिफ्यूज बॉम्ब्स है, कहते हैं जो डिफ्यूज बॉम्ब्स हैं, इनके जरिए जो है वो माइंस बिछाई गई हैं। और इन माइंस के पास जैसे ही इजरायली सैनिक पहुंचते हैं, या तो इसमें ब्लास्ट कर दिया जाता है या इन पे जो है वो रॉकेट अटैक्स होते हैं। तो देखिए, हो ये रहा है कि ये जो इजरायली सैनिक हैं, ये कुछ कुछ ऐसा लगता है जैसे वियतनाम में अमेरिका जैसे फंस गया था, या अफगानिस्तान की आप बात करें, ऐसी ही हालात जो है वो दक्षिणी लेबनान में बनते जा रहे हैं। और अब देखिए, कोशिश ये है इसराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से, कि जल्दी से जल्दी उस बफर जोन को बना दिया जाए। इसीलिए लगातार जो आप देखें, हर रात को इसराइल की तरफ से जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, और ये एयर स्ट्राइक्स के जरिए ही
हिजबुल्ला को पीछे धकेलने की कोशिश होती है। लेकिन देखिए, एयर स्ट्राइक से बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसमें कैजुअल्टी कम होती है। आपको ग्राउंड ऑपरेशन, ग्राउंड सेना जाके जब तक कैप्चर नहीं करेगी उस पूरे इलाके को, तब तक वहाँ पे पूरा कंट्रोल नेतन्याहू का और इसराइल का नहीं हो सकता। और इसमें बड़ा चैलेंज बनी हुई है ये टनल्स और हिजबुल्ला के लड़ाके। ठीक है, ये तो सारी चीजें ग्राउंड पर काफी ज्यादा नुकसान इसराइल को हो रहा है, लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए, जिन लोगों को छुड़ाने के लिए, यानी जो इसराइली बंधक है उनको छुड़ाने के लिए इसराइल लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार उसके सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं, लगातार ये भी देखा जा रहा है कि किस तरह से कहां पर बंधक हो सकते हैं, एयर स्ट्राइक भी की गई है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने लोगों को नहीं छुड़ा पा रहा है बैंक। और कल तो इसके लेकर प्रदर्शन तक भी हुआ है वहां पर, जबरदस्त प्रदर्शन, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इजरायली लोगों का हुआ है इसराइल में। कल फिर एक बार जो है बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल थे जो कि वॉर खत्म करने की बात कर रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि बंधक छूटने चाहिए, युद्ध करना नेतन्याहू आपका मकसद नहीं है। देखिए, ये नेतन्याहू के लिए भी एक बड़ा सेटबैक से कम नहीं है। देखिए, ईरान पे हमला होता है जिसको लेके ये बार बार चर्चा है, इस तरह का संदेश गया है कि भाई ये बड़ा हमला नहीं था, आप बड़ा हमला नहीं कर पाए, अभी तक आप बंधक छुड़ा के नहीं आ पाए हैं। तो एक अपोजिशन, ना सिर्फ इसराइल में अपोजिशन बल्कि बड़ी संख्या में लोग हैं जो इस तरह के सोशल मीडिया पे चर्चाएं हो रही है, कहा जा रहा है कि नेतन्याहू अपने टारगेट से भटक गए हैं। भाई, आपका मूल मकसद था उन बंधकों को छुड़ाना जो कि गजा में जिनको बंधक बनाया गया था। अब देखिए, वहां पे ये है, और ये भी कह रहे हैं कि इतने सारे मोर्चे खोलने की क्या जरूरत थी। मेन जिस चीज के लिए इसराइल ने हमास पर हमला किया वो यही था कि आपने हमला किया, आप हमारे लोगों को लेकर गए, बंधक बनाए, लेकिन अब तो उसने चौतरफा हमले, चाहे हुती से हो या हिजबुल्ला से हो, ईरान से हो, हर जगह मोर्चा खोल दिया, जिसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब ये हालात ये हैं कि अभी बताया जा रहा है कि दो दिन पहले नेतन्याहू एक प्रोग्राम में संबोधित करने गए थे, उन्हें वहाँ भाषण देना था, और जब वो भाषण दे रहे थे उसी बीच में जो ऑडियंस थे इसराइल की, उसमें से काफ़ी सारे लोग खड़े हुए और वो एंटी नेतन्याहू और एंटी वॉर नारे लगाने लगे। हालात ये हुई कि नेतन्याहू अपनी स्पीच कंप्लीट नहीं कर पाए और उनको बीच में भाषण छोड़ना पड़ा। तो देखिए, कहना हम ये चाह रहे हैं कि एक इसराइल में भी एक बड़ा गुस्सा है, एक बड़ा वर्ग है जो, हाँ, और ये चाहता है वो कि ये वॉर वाली स्थिति खत्म हो। देखिए, हालात इसराइल में भी बहुत अच्छे नहीं है। अगर आप IMF की बात करें, IMF ने इसराइल की ग्रोथ रेट को 0.7% कर दिया है। देखिए, ये जो है, ये इसराइल ने पिछले 40-45 सालों में एक जो विकसित राष्ट्र का रुतबा और स्टेचर हासिल किया है, इसके लिए ये बड़ा झटका है। और देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि अगर ऐसे ही हालात चलते रहे और ये लंबा खिंच गया मामला, जो कि अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है, और नेतन्याहू अगर इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और हिजबुल्ला के साथ इसी तरह लड़ाई चलती रही, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसराइल का जो डेवलप्ड नेशन का जो दर्जा है वही छीन लिया जाए। राष्ट्रपति हैं पेजिशकियान, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप बयान का नेचर समझिए, ईरान जो है, ईरान बड़ा ही इस पूरे मामले में, एक तो वो डिप्लोमेटिक तरीके से दुनिया को अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहता। ईरान का यहाँ पे देखिए एक जो रिस्पांस है वो बड़ा सधा हुआ है। पेजिशकियान कह रहे हैं कि भाई हम अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, बट ईरान ने उसको इस तरह से लिया कि भाई इसराइल का हमला जो था वो हमारी संप्रभुता पे हमला था और हम बड़ा सोच के कदम उठाएंगे। अब देखिए, इस्माइल बघाई हैं, ये विदेश मंत्रालय के, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, इनकी तरफ से बयान आया है कि जरूरत पड़ेगी तो हम किसी भी हथियार का इस्तेमाल करने से नहीं चुकेंगे। बयान का नेचर समझिए। तीसरी तरफ जो है वो जो खामेनेई है, खामेनेई की तरफ से कहा गया है कि ये जो हमला हुआ है भले छोटा हमला हो लेकिन हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, और ईरान के अधिकारी तय करें कि किस तरह से जवाब देना है। तो ईरान की जो एक तो वहाँ की जो न्यूज़ एजेंसी है मेहर, इसमें अगर आप, इसमें जो बयान सामने आ रहे हैं इसको अगर आप ध्यान से एनालिसिस करें तो ये बात साफ समझ में आ रही है कि ईरान भी एक बड़े युद्ध के लिए तैयार हो रहा है धीरे धीरे, और वो ये जान रहा है कि आज नहीं तो कल हो सकता है कि फिर से या तो इसराइल की तरफ से हमला हो या ईरान जवाब दे। इसके लिए ईरान ने भी अपनी तैयारी शुरू कर रखी है। तो इसराइल के लिए सिर्फ ईरान ही चुनौती नहीं है, एक तरफ तो हिजबुल्ला जो है, ग्राउंड ऑपरेशन में तो हमने जैसे चर्चा की कि बड़ा नुकसान तो इसराइल को हो ही रहा है, और हो सकता है कि जल्दी आप देखें कि अब नेतन्याहू इसको ज्यादा खींचे भी ना, और लेबनान से हो सकता है सेना पीछे बुलानी पड़ जाए, मतलब वापस बुलानी पड़ जाए अगर यही हालात रहे तो। और ऐसे में ईरान की तरफ से भी यह साफ कर दिया गया है कि इनको जो है करारा जवाब दिया जाएगा। अब देखिए, पूरा मामला अमेरिका में जो हमने चर्चा की थी कि राष्ट्रपति चुनाव है, उसका परिणाम क्या आएगा, उसके बाद ही इस पूरे इलाके का भविष्य तय हुए जाएगा, जैसे ही अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव आएंगे।
ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव अमेरिका में जो होने वाले हैं उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ लगातार हिजबुल्ला इसराइल पर हमले कर रहा है, ईरान चुप है, बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से इस पूरे मामले को देख रहा है। अब देखना होगा कि इसके क्या परिणाम निकलते हैं, इस पहले किसकी तरफ से वार होता है, उसके बाद इसका जवाब किस तरह से दिया जाता है, क्योंकि देखिए युद्ध के मुहाने पर मिडिल ईस्ट बैठा हुआ है और इसी युद्ध को लेकर आशंकाओं का बाजार पूरी दुनिया भर में तेज़ है और इसी वजह से हम लगातार ये खबर आपके लिए लेकर आते हैं, तमाम अपडेट्स आपके लिए लेकर आते हैं। बने रहिए हमारे साथ।